हमें ओनली 462 रुपीज में पड़ा दिया दोस्तों, आपने सही सुना, ई एम आई हमें सिर्फ 462 रुपए में पड़ा ई एम आई। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एस टेस में। सो दोस्तों आज हम आपके लिए बोया बी बाई एम एन माइक की अनबॉक्सिंग लेके आए। ई एम आई हमें ओनली 462 रुपीज में पड़ा दिया दोस्तों, आपने सही सुना, ई एम आई हमें सिर्फ 462 रुपए में पड़ा। ई एम आई हमें इतना सस्ता कैसे पड़ा और आप इस माइक को इससे भी ज्यादा सस्ता या इतना सस्ता बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। चलो दोस्तों चलते हैं माइक की अनबॉक्सिंग की ओर। और आज जो गैंड हमें इस टाइप का सबसे पहले अमेजोन का बॉक्स मिलता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें अमेजोन वालों ने इतनी बढ़ती है कि देखिए ये बॉक्स यहाँ से पिचका हुआ है, यहाँ से पिचका हुआ, मतलब अमेजोन की पैकिंग एकदम घटिया है माइक के थ्रू। तो हमने देखा, देखिए दोस्तों क्या करें दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बार बॉक्स एक बार बता देते हैं ऐसी पैकेजिंग करके दिया अमेजोन ने। तो दोस्तों हम अनबॉक्सिंग की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक सील ओपन करने के बाद दोस्तों हमें फाइनली इसके अंदर हमें एक बिल मिलता है, जो आपके क्या काम का हमारे काम का बिल हम इतना रखते हैं, इस बॉक्स को देखते रखते हैं। फाइनली हमें बोया का बॉक्स मिल जाता है। देखिए दोस्तों इस टाइम में बोया का बॉक्स है, साइड से भी देखिए दोस्तों इस टाइम में बोया का बॉक्स है। एंड इसके अलावा हमें इस बोया के बॉक्स में कोई भी सील नहीं दिखती है। एंड बोया के बॉक्स की हम पहले आपको बेसिक डिटेल दे देते हैं। इस बोया के बॉक्स के अंदर माइक निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बोया की ब्रांडिंग दिखती है, एंड इसके नीचे आपको एक सीरियल नंबर दिखता है, और साइड में भी आपको बोया की ब्रांडिंग दिखती है। एंड साइड में आप नीचे की तरफ बोया BYM1 का दिखता है, पीछे से कुछ स्पेसिफिकेशन दिखती है जो हमें आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमको वीडियो में बता देंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों इस बोया के बॉक्स में कुछ खास ही नहीं लिखी है। सबसे पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसे अनबॉक्स करने के बाद हमें इसके अंदर कुछ इस टाइप का पैकेज मिलता है दोस्तों, इस टाइप का पैकेज मिलता है। इस पैकेज को बाद में ओपन करते हैं। सबसे पहले पैकेज को ओपन करते हैं। पैकेज के बाद हमें बॉक्स के अंदर ये मिलता है, जिसके अंदर आपको सेल एंड माइक का ऑडियो 3.5 mm to 3.5 mm जैक मिलता है, कुछ बेसिक डिटेल मिलती है, और क्लिप मिलता है। उसके बाद हम बॉक्स के अंदर चेक करते हैं और हमें क्या मिलता है। एंड दोस्तों बॉक्स के अंदर चेक करने के बाद हमें एक ये वारंटी कार्ड मिलता है जो 2 पेज का है। एंड इसे एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद हमें कुछ बुकलेट मिलती है, इस बुकलेट को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम आपको वीडियो में बता देंगे आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों इस बुकलेट को एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 2 बोया के स्टीकर मिलते हैं। देखिए दोस्तों आपके यहाँ सिर्फ 2 बोया के स्टीकर मिलते हैं, सिर्फ एक तरफ मिलते हैं। दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं और भी कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब हम आपके मेन प्रोडक्ट की ओर आते हैं। मेन प्रोडक्ट के बाद हमें इस टाइप का ब्लैक कलर में बॉक्स, मतलब ये पैकेज पाउच मिलता है। पाउच की क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है। सबसे पहले हम इस माइक को अनबॉक्स कर लेते हैं, पाउच के अंदर से निकाल लेते हैं। पाउच के अंदर से निकालने के बाद हमें इस टाइप का माइक मिलता है। एंड पाउच के अंदर हमें 2 चीजें मिलती है, एक तो बोया का क्वालिटीफाइड सर्टिफिकेट मिलता है जो क्वालिटी बताता है। एंड उसके बाद हमें सिलिका जेल मिलता है, सिलिका जेल का पाउच मिलता है, और हमें कुछ भी नहीं मिलता है बोया का पाउच अंदर। हम एक तरफ रख देते हैं। फाइनली हमें इस टाइम में ये माइक मिलता है। देखिए दोस्तों इसकी लेंथ एंड ये इसका एडाप्टर, इसका एडाप्टर ये है, तो ये माइक है। तो दोस्तों ये एडाप्टर हमने जो मतलब फोटो में देखा था उससे बहुत छोटा है, क्वालिटी तो सही है दोस्तों, ठीक ठाक है इसकी क्वालिटी। सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर सेल डालते हैं और इसको चला के बताते हैं। तो दोस्तों इसे ओपन करने के बाद ये आपको सेल डालने का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ को एक पर्दा मिलता है, हमें नहीं पता है पर्दा किस काट का है। आपको सेल डालने का सेक्शन मिल जाता है, तो सेल डालते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें सबसे पहले अनबॉक्स करना होता है सेल। हमने भी आपके सामने आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन करा है, हमने से पहले ओपन करके यूज करके नहीं देखा, आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन करा है। इसे ओपन करने के बाद हमें कुछ टाइप के अंदर से मिलते हैं इसके कंपोनेंट। सबसे पहले हमें इन कंपोनेंट काम नहीं है, सबसे पहले हम इसमें हम सेल डाल देते हैं। सेल इस पन्नी में मिलता है, हमें सेल अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों सेल अनबॉक्स करने के बाद हमें सेल मिलता है, सेल को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। चलो सेल हमने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करने के बाद हम कस देते हैं। कसने के बाद दोस्तों यहाँ माइक रेडी टू यूज हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखते हैं। एक आपका अगर आपके पास DSLR कैमरा हो तो इस मतलब आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे ऊपर DSLR के ऊपर स्विच कर देना होगा। एंड अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इस ऑप्शन को नीचे की ओर देना है। तो दोस्तों हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम इसे स्मार्टफोन वाले पर लेने हैं। तो इस तरह असेंबल करके इसकी डायरेक्ट आपको क्वालिटी चेक करा जाए। अगर इसमें असेंबल करने बैठा आपके सामने तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों असेंबल करके हम इसकी डायरेक्ट आपको क्वालिटी चेक। दोस्तों इससे पहले आपको जो भी वॉइस क्वालिटी सुनाई दे रही थी वो विदाउट माइक थी। अब हमने हमारा बोया BYM1 हमारा माइक हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लिया। अब आपको जो भी क्वालिटी सुनाई दे रही है वो बोया BYM1 माइक की, अब आपको डिफरेंट आसानी से नजर आ रहा होगा कि विदाउट माइक और विद इन माइक में क्या क्वालिटी में डिफरेंट आया। अब हम तो फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं, तो हम एडिटिंग करेंगे तभी वॉइस क्वालिटी में फर्क नजर आएगा। तो अब हम फर्क नजर आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट में बता देना कि कौन सा माइक जोरदार है, मतलब स्मार्टफोन का माइक जोरदार है कि बोया BYM1 माइक जोरदार है। दोस्तों आपको प्राइस बताने से पहले मैं आपको इस माइक की थोड़ी बेसिक डिटेल दे देता हूँ। इस माइक को माइक में हमें 20 फीट लंबी केबल मिलती है, जिससे आप 20 फीट दूर से भी अपनी शूटिंग कर सकते हैं। एंड इसमें आपको 2 3.5 mm to 6.35 mm कन्वर्टर मिलता है, जिससे आप इस माइक को एम्पलीफायर में भी यूज कर सकते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा फीचर नॉइज़ कैंसिलेशन का मिलता है, जिससे आपकी बाहर की नॉइज़ जो भी बाहर की नॉइज़ आ रही है उसे माइक मतलब रिड्यूस कर देता है, और आपकी मतलब नेचुरल वॉइस को इंक्रीज़ कर देता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फीचर है इस माइक का। इस वीडियो में जिस वजह से आपको इस वीडियो में क्लिक कराया था उस बारे में बात कर लेते हैं, ये प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये माइक हमें इतना सस्ता कैसे पड़ा? तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये माइक की अमेजोन पर उस टाइम कीमत थी 669 रुपये, यानी 669 रुपये। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करा, अमेजोन ने कुछ टाइम पहले अमेजोन पे नाम से उसका एक ऐप लॉन्च करा, जिसके अंदर इनबिल्ट है अमेजोन के अंदर। उसके अंदर आपको कुछ मनी ट्रांसफर करने पर कुछ कैशबैक मिलता है। हमने ऐसे मनी ट्रांसफर करके दूसरे के ट्रांसफर करते हैं, हमारे दोस्त के ट्रांसफर करते हैं, दोस्त हमारा ट्रांसफर करता, ऐसे कर करके हमने 207 रुपये कमा लिया। उसके
बाद हमने 669 रुपये में 207 रुपये लगाए, तो हमें 462 का इस तरह हमें ये माइक 462 का पड़ा। तो दोस्तों ये मतलब मैं आपको अमेजोन पे के बारे में बताने लगा तो इसकी पूरी इनबिल्ट वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता देना कि इसके बारे में आपको कैशबैक कैसे अर्न करना है और आपको कैशबैक के माइक कैसे ऑर्डर करना है, तो हम आपको इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के बता देंगे। इस टाइप से हमें ये माइक हमें 462 रुपये का पड़ा, 207 रुपये हमने कैशबैक लगा दिया। हमें जल्दी माइक मंगाना था, नहीं तो हम इससे ज़्यादा कैशबैक अर्न कर सकते थे। तो दोस्तों आप भी इस तरह कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको इस माइक की अनबॉक्सिंग में जरा सा भी मजा या आपको ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल में ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।